दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहां पना, कल रात कुछ नकाबपोश हमलावरों ने पश्चिम दिशा के पुराने किले पर हमला किया, लेकिन हमारे सैनिकों ने जमकर उनका मुकाबला किया और उनको भगा दिया। जापना उस दिशा में हमारे तीन दुश्मन राजा रहते हैं। ये काम उन्हीं तीनों में से किसी एक का है। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हमारे ये तीन दुश्मन राजा कल हमारे महल में आ रहे हैं हमसे संधि करने के लिए। ये तो अच्छी बात है जापना, लेकिन हमारे इतने कट्टर दुश्मन हमसे संधि करने, हमसे दोस्ती करने क्यों आ रहे हैं? बीरबल, आपको तो पता ही होगा कि हमारे विदेश मंत्री चतुर सिंह कई दिनों से विश्व शांति सम्मेलन के लिए बगदाद गए हुए हैं। इन तीनों राजाओं की मुलाकात उनसे वहीं पर हुई और चतुर सिंह ने अपनी सूझबूझ और अकलमंदी से इन तीनों राजाओं को हमसे संधि करने के लिए मना लिया है। लेकिन जहां पना, शांति सम्मेलन को खत्म हुए कई दिन हो गए, लेकिन चतुर सिंह अभी तक लौटे नहीं। हमें फिक्र हो रही थी, इसलिए हमने अपने गुप्तचरों को उनकी तलाश में भेजा है। जापना की जय हो। अरे आई आई गुप्तचर, अरे क्या नाम है इनका? किसका? हाँ गुप्तचर किसका, बताइए क्या खबर लाए? जापना, चतुर सिंह जी को हमने हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। बगदाद के जिस महल में वो रह रहे थे वहां से हमें ये थैला मिला है। लाइए हमें दीजिए। अरे वाह, चतुर सिंह जी अभी तक गुड्डे और गुड़ियों का खेल खेलते हैं। जापना, इस गुड़िया के अंदर से चिट्ठी मिली। क्या है, जरा इसको खोलिए, पढ़िए इसे। कटिन गुकड़िया जकब कपासे मिकलने कराइन तिकोन ती कतिनो कचाक के कवाली मौकात ककी चौकट कहे। अरे बीरबल, ये क्या है, क्या ये क्या लिखा है, हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जापना, जरूर चतुर सिंह जी हमें कोई संदेशा देना चाहते थे, लेकिन ये संदेशा कोई और ना पढ़ पाए, किसी और के समझ में ना आए, इसलिए उन्होंने ये चोर भाषा मतलब गुप्त भाषा में लिखकर हमें संदेशा दिया। पर कुछ दिनों से चतुर सिंह जी गायब हैं और वो गुप्त भाषा में हमें संदेश भेज रहे हैं, ये जरूर किसी खतरे की ओर इशारा है। बीरबल, ये भाषा इसे हम समझेंगे कैसे, क्या है क्या ये? जापना, चतुर सिंह जी ने हर शब्द में क अक्षर का इस्तेमाल किया है, ऐसे ही बेफालतू बिना मतलब। कभी शब्द के प्रारंभ में, कभी बीच में, कभी अंत में। अगर क अक्षर को इस चिट्ठी से निकाला जाए तो चिट्ठी कुछ इस तरह से होगी। जापना, तीन गुड़िया जब आपसे मिलने आएंगी, तीनों की तीनों आपके मन को भाएंगी, लेकिन एक गुड़िया के मन में खोट है, बचना लगने वाली मौत की चोट है। लेकिन जहां पना, भला एक गुड़िया आपको मौत की चोट कैसे दे सकती है? दे सकती है बलदेव जी, बिल्कुल दे सकती है। जापना, ये देखिए, इन तीनों गुड़ियों के पीछे एक अक्षर लिखा हुआ है। इस गुड़िया के पीछे अ लिखा हुआ है। जापना, ये तीनों अक्षर वही हैं जिनसे कल आने वाले तीनों राजाओं के नाम शुरू होते हैं, जैसे अ से बादशाह आलम खान,
ये गुड़िया बादशाह आलम खान है जापना। इस गुड़िया के पीछे द लिखा है, यानी कि राजा दलबीर सिंह, और ये गुड़िया है प, यानी कि बादशाह परवेश शाह। मतलब चतुर सिंह को पहले ही पता चल गया था कि ये तीनों राजा जो यहाँ पर आ रहे हैं उनमें से एक राजा सिर्फ दोस्ती का नाटक कर रहा है। दरअसल उसका मकसद हमारी मौत है। जी चापन, कुछ ऐसा ही है। लेकिन बीरबल, चतुर सिंह ने उस राजा का नाम क्यों नहीं लिखा? रानी साहब, हो सकता है कि जिस तरह से चतुर सिंह जी उस राजा की असलियत जान गए, उसी तरह वो राजा भी ये जान गया हो कि चतुर सिंह जी उसकी असलियत जानते हैं, इसलिए चतुर सिंह जी ने ये तरीका आजमाया। क्योंकि अगर कोई उनके कमरे की तलाशी भी ले तो इन सब चीजों को बेकार समझकर ऐसे ही छोड़ दे। क्योंकि अगर चतुर सिंह जी उस राजा का नाम सीधे सीधे लिखते तो वो इन सारी चीजों को गायब कर देता, जैसे शायद उसने चतुर सिंह जी को गायब किया। सही कह रहे हैं आप बीरबल। भाई साहब, आप तुरंत उन तीनों राजाओं को यहाँ आने से रोकिए। हम नहीं चाहते कि सलीम की अब्बू की जान खतरे में हो। नहीं 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 रानी साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। जापना सिर्फ एक राजा की दुश्मनी की वजह से हम बाकी दो राजाओं को अपना दोस्त बनाने का मौका नहीं खो सकते। आने दो उन तीनों राजाओं को। बीरबल, आप जल्द से जल्द इन गुड़ियों का रहस्य सुलझाइए और पता लगाइए कि वो राजा कौन है जो हमें मौत के घाट उतारना चाहता है। आप लोगों को हम बता नहीं सकते कि आप तीनों को यहाँ पर देखकर हम कितने खुश हैं। काफी अरसे से हम चाह रहे थे कि ये हमारे बीच की जो दुश्मनी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। चाहते तो हम सब भी यही थे, लेकिन ना कभी आपने पहल की ना हमने। तबीयत नासाज है, दिख रहा है कुछ ज्यादा ही नासाज है। चीटें यहाँ तक आ रही हैं। जा बना कीजिए। आइए बीरबल, आइए आइए, इनसे मिलिए। ये हैं राजा दलबीर सिंह और ये हैं बादशाह आलम खान। क्या समझे? यही समझा कि आप आलम खान हैं। वो तो हम है ही। क्या समझे? ओह, ये समझे कि क्या समझे, ये आपका तकिया कलाम। और ये है बादशाह परवेज शाह। तो ये है बीरबल, बहुत सुना है आपके बारे में, यही पटक देंगे। आप हमें क्यों? अच्छा, यही पटक देंगे, ये आपका तकिया कलाम। खैर, आप लोग लंबा सफर तय करके आए हैं, आप लोग काफी थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए और बाकी बातें खाने पर हो जाएंगी। राजा दरबार। जी जापन। जरा तीनों राजाओं को मेहमान खाने तक पहुंचा दीजिए। जी जापन, आइए आइए। बीरबल। जी जापन। आप बताइए, वो गुड़ियों का रहस्य कुछ पता चला आपको? जापन, अभी तक नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए। बीरबल जी, हाय, इसी अदा पे तो हम मरते हैं। बीरबल जी, इन गुड़ियों का रहस्य मिला? नहीं, हम वही सोच रहे। सोच सोच के तो आपका दिमाग थक गया है। लाइए, हम आपके सर की मालिश कर देते हैं, उससे आपका दिमाग तेज काम करेगा। हमें मदद नहीं चाहिए। लेकिन हम मदद करेंगे। हमें मदद नहीं चाहिए। हम मदद करेंगे ना। मदद जी, करते हैं ना। जापना, हमारी बात सुनिए। जापना, आप शिकार पर नहीं जाएंगे। अरे, शिकार तो एक बहाना है, उन तीन राजाओं में से कोई एक आपकी जान लेना चाहता है। जापना, रानी साहब बिल्कुल सही कह रहे। तो
शिकार के वक्त अगर उन तीनों में से किसी ने आप पर हमला कर दिया तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो तीनों में से हमला किसने किया। ये बात हम जानते हैं, हम ये बात जानते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके बाद हम शिकार पे जाने से मना नहीं कर सकते। देखिए संधि के लिए आप लोगों की जो भी शर्तें हैं वो सारी शर्तें हमें मंजूर हैं। बस परसों तक संधि के दस्तावेज भी तैयार हो जाएंगे। तो इस किसी के मौके पर कल हम सब शिकार खेलने चलते हैं। तबीयत नासाज है। देखिए आपकी भी तबीयत नासाज है और हमें भी कल दरबार में बहुत सारा काम है, इसलिए हम आप लोगों के साथ शिकार खेलने नहीं चल पाएंगे। काम है या हम सब पर भरोसा नहीं है, यही पटक देंगे। अरे भरोसा नहीं है तो संधि करके दोस्ती करने का क्या फायदा, क्या समझे? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम चलेंगे शिकार खेलने, हम आप लोगों के साथ जरूर चलेंगे। जहां बना बात समझने की कोशिश कीजिए, उनकी चाल है। अरे बीरबल, चतुर सिंह के अनुसार एक राजा है जो हमारी जान लेना चाहते, लेकिन आप खुद भी तो कह रहे थे बीरबल उस एक राजा की वजह से हम बाकी दो राजाओं से संधि ना करें, ये कहां की अकलमंदी हुई? भाड़ में जाए आपकी संधि। अरे आप ही नहीं रहेंगे तो हम क्या संधि का अचार डालेंगे? रानी साहिबा, शिकार करने तो हम जाएंगे जरूर। बीरबल बीरबल कुछ कीजिए बीरबल, अगर जहां बना नहीं रहे ना तो हम भी अपनी जान दे देंगे। चतुर सिंह जी का कमरा, जरूर यहां से कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। चतुर सिंह जी ने हमारी मदद के लिए चाबी दी थी, अगर चाबी है तो ताला भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। ताला सच्ची सीख, प्रणाम। अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए, हम आप ही से मिलने आ रहे थे। एक बुरी खबर है, जहां पर आप बीमार हो गए, बुखार हो गया उन्हें, इसलिए कल आपके साथ वो शिकार पर नहीं आ सके। हकीम जी, मेरे भाई ये देखिए, हमने जहां बना के बुखार के लिए एकदम खास दवाई बनाई है, उनसे कहिएगा कि ये दवाई दिन में 3 बार एक एक घूंट ले ले। दिन में 3 बार एक एक घूंट? नहीं नहीं बीरबल जी, दिन में 3 बार एक एक घूंट। बीरबल जी को ऊंचा सुनाई देता है। इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। देखिए संधि के दस्तावेज तैयार हो गए, जापाना उन पर कल मोहर लगा देंगे। और हाँ, जापाना ने आपसे कहने को कहा कि अगली बार जब आप तीनों महल में आएंगे तो आपके साथ शिकार पर जरूर चलेंगे। हम चलते हैं जापना को दवाई देनी, दिन में 3 घूंट एक एक बार।
छोड़ो मुझे, छोड़ देना, छोड़ो मुझे। एक वो क्या रहा है यहाँ पर, कौन है ये, क्या हो रहा है ये सब? हाँ हम भी वही पूछ रहे हैं, क्या हो क्या रहा है बीरबल, ये कौन है ये? रानी साहिबा, असली दुश्मन पकड़ा गया, जरा इनके चेहरे से नकाब तो हटाइए, जापाना और रानी साहिबा को इनका चेहरा तो दिखाइए। परवेज शाह, तो आप हैं जो हमारी जान लेना चाहते हैं? जापाना, हम तो आपकी तबीयत पूछने आए थे, यहीं पटक देंगे नकाब पहन के। आप यहाँ क्या करने आए थे परवेज शाह, इसका फैसला अभी हो जाएगा। हकीम जी अंदर आइए। सिपाही, वहां से वो दवाई की शीशी लाई। हकीम जी, इस दवाई की शीशी की जांच करके बताइए। हाँ अभी कर देते। जहां बना, ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है। हाँ अगर इसकी एक बूंद किसी के अंदर चली गई ना, तो उसका दम बाहर आ जाएगा। शुक्रिया हकीम साहब, हो सके तो ये दवाई पी के सो जाइए, जाइए। क्या बना, शुक्रिया। जापाना, हमने जानबूझकर आपके बीमार होने की खबर फैलाई थी, क्योंकि हम जानते थे कि परवेज शाह आपकी दवाई में जहर मिलाने जरूर आएंगे और रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मतलब बीरबल, आपको पता चल गया था कि ये परवेज शाह दोस्ती का नाटक कर रहा है, असल में जहांपनाह की जान लेने आया था। जी हाँ रानी साहब, हम जानते थे, क्योंकि हमने 3 गुड़ियों की गुत्थी सुलझा ली थी। अरे बहुत खूब बीरबल, तो कैसे सुलझाई जरा हमें भी बताइए। जहांपनाह गुड़ियों के साथ साथ उस झोले में हमें एक चाबी भी मिली थी। उस चाबी की मदद से हमें चतुर सिंह जी के कमरे से एक किताब मिली, सच्ची सीख, और उस किताब के एक पन्ने पर लिखा था, दुश्मन कौन, जो इंसान आपका राज एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे वो मासूम होता है, उससे दोस्ती कर सकते हैं। जो इंसान आपका राज जानकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में छिपा ले वो उत्तम होता है, ऐसे इंसान से दोस्ती जरूर करें, लेकिन वो इंसान जो आपका राज सुनकर मुंह खोल दे, दुनिया के सामने बता दे, वो आपका दुश्मन होता है। ऐसे इंसान पर कभी ना भरोसा करें। और उस किताब की वजह से हम जान गए कि परवेज दोस्त नहीं दुश्मन है। बीरबल, हम अभी भी कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं जापाना, 3 गुड़ियों का राज। ये पहली गुड़िया और ये तार, इस गुड़िया के अगर एक कान से आप तार डालें तो दूसरे कान से बाहर आ जाती है, ऐसे। इसका मतलब ये गुड़िया वो इंसान है जो आपका राज एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, मतलब ये इंसान भोला, आप इससे दोस्ती कर सकते हैं। अब ये दूसरी गुड़िया, देखते हैं इसके कान में तार डालने से क्या होता है। झापना, इस दूसरी गुड़िया के कान में तार तो चला गया पर कहीं से बाहर नहीं आ रहा है, मतलब आपका राज सुनकर उस राज को अपने दिल में रखने वाला इंसान। मुआफी, मुआफी रानी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने झापना, सच्चे दोस्त। अब देखते हैं तीसरी गुड़िया, ये रही तीसरी गुड़िया, इसके कान में तार डालकर देखते हैं। इस तीसरी गुड़िया के कान में अगर आप कोई राज की बात बताएं तो वो उसके
मुंह से बाहर निकल जाती है। मतलब आपका राज सुनकर सब कुछ लोगों के सामने उगल देने वाला इंसान, यह इंसान आपका दोस्त नहीं, यह इंसान तो आपका दुश्मन है। जापना, मौफी, मौफी रानी। क्या मौफी, मौफी? जी हाँ जापना, ये गुड़िया दोस्त नहीं दुश्मन है, और इसके पीछे इसके नाम का पहला अक्षर लिखा है प। परवेज, परवेज शाह। अब हमें यह भी बता दीजिए कि हमारे मंत्री चतुर सिंह को आपने अगवा करके कहां पर रखा हुआ है, बता दीजिए, वरना सच्चाई उगलवाने के हमारे पास और भी तरीके हैं। वो बगदाद के उसी महल के तहखाने में कैद है जहां वो हमें मिले थे, यही पटक देंगे। आपके पटकने का समय खत्म हो चुका है, अब हम पटकेंगे। सिपाहियों ले जाओ इन्हें और कैद खाने में पटक दो। और बीरबल, आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि आपके पास हर मुश्किल का हल है, क्या समझे? यही पटक देंगे। हाँ?